समाचार विस्तार से जोईशु। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्री की प्रशंसा करी है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की कामगिरी ने याद पण करी। भूपेन्द्र पटेल शांत स्वभावना पण काम में खूब ज चौकसाई है तेवुं पीएमए जणाव्युं छे। भूपेन्द्र पटेल जमीन साथ जोड़ायेला मुख्यमंत्री होवानुं पण निवेदन आप्युं। 25 वर्षथी भूपेन्द्र पटेले अनेक जवाबदारी निभावी है। भूपेन्द्र पटेल नेतृत्व में गुजरात चौतरफ विकास करशे तेवुं पण पीएमए जणाव्युं। वैसे भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद आज पहली बार मुझे इतने विस्तार से गुजरात के लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला है। एक साथी कार्यकर्ता के रूप में भूपेंद्र भाई से मेरा परिचय 25 वर्ष से भी ज्यादा का है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि भूपेंद्र भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो टेक्नोलॉजी के भी जानकार है और जमीन से भी उतना ही जुड़े हुए हैं। अलग अलग स्तर पर काम करने का उनका अनुभव गुजरात के विकास में बहुत काम आने वाला है। कभी एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका के सदस्य, फिर नगर पालिका के अध्यक्ष, फिर अहमदाबाद महानगर के कॉरपोरेटर, फिर अहमदाबाद महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, फिर औड़ा जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के चेयरमैन करीब करीब 25 वर्षों तक अखंड रूप से उन्होंने ग्रास रूट शासन प्रशासन को देखा है, परखा है, उसका नेतृत्व किया है। मुझे खुशी है कि आज ऐसे अनुभवी व्यक्ति गुजरात की विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं। साथियों, आज हर गुजराती को इस बात का भी गर्व होता है कि इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद, इतने बड़े पदों पर रहने के बाद, 25 साल तक कार्य करने के बाद भी भूपेंद्र भाई के खाते में कोई विवाद नहीं है। भूपेंद्र भाई बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने देते। एक साइलेंस वर्कर की तरह, एक मूक सेवक की तरह काम करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। बहुत कम ही लोगों को यह भी पता होगा कि भूपेंद्र भाई का परिवार हमेशा से आध्यात्म के प्रति समर्पित रहा है। उनके पिताजी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। मेरा विश्वास है ऐसे उत्तम संस्कार वाले भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात चौतरफा विकास करेगा।